सो फाइनली हम ये वीडियो कर रहे हैं. आज मैं बहुत टाइम बाद एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम ओल्ड साड़ीज को स्टाइल करेंगे. एंड डेफिनेटली पुरानी साड़ीज सबके घर में है, पुराने पैटर्न की, पुराने डिजाइन की, मम्मी की, चाची की, मौसी की, बहन की, दीदी की, भाभी की, बहुत सारी साड़ियाँ पड़ी होंगी. लोग जनरली क्या करते हैं, पुराने डिजाइन की जो बहुत पुरानी साड़ीज हैं उन्हें लोगों को दे देते हैं, दे डोंट यूज देम. जबकि उन साड़ीज का जो वर्क है, जो फैब्रिक है, वो एक तरीके से यू नो आपके पास धरोहर है. आगे आने वाले टाइम जितना आप देखते जा रहे हो कपड़ा बहुत डिप्लीट होते जा रहा है. तो उस टाइम की अगर आप क्वालिटी उठा के देखो कपड़े की प्राइस के हिसाब से तो बहुत जस्टिफाइड थी. सो आई हैव फ्यू साड़ीज. आज हम कुछ ओल्ड साड़ीज को रीस्टाइल करेंगे. आप पुरानी साड़ी से ऑब्वियसली बहुत कुछ कर सकते हो. आप उनसे साड़ीज बनवा सकते हो, आप उनसे सूट बनवा सकते हो, लहंगे बनवा सकते हो, मतलब मल्टीपल ऑप्शन है, कुर्तीज बनवा सकते हो. बट आज की वीडियो में हम जो साड़ी जैसी है उसको बिना कटाई बिटाई करें एज इट इज स्टाइल करेंगे. मैं आपको दिखाऊंगी कुछ साड़ीज जो कि मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई हैं. तो मेरे घर की जितनी साड़ीज थी वो मैं ऑलरेडी स्टाइल कर सकती हूँ. तो ये वाली साड़ीज मैंने जुगाड़ करके इधर उधर से इकट्ठी की हैं. तो ये आज हम चारों साड़ी स्टाइल करेंगे. बट ये इतनी ज़्यादा हैवी हैं, सिर्फ चार साड़ी हैं और मुझे इन्हें उठाने के लिए काफ़ी जान लगानी पड़ रही. तो सोचो कितनी हैवी साड़ीज होंगी. तो आज हम ये साड़ी स्टाइल करेंगे. तो ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद दिस मोस्ट स्पेशल साड़ी जो कि हमारे साइड में कांटी रहती है. ये उनकी एंगेजमेंट की साड़ी है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज लुक एट द कलर, इतना प्यारा कलर है. और इस पर जो वर्क है ना वो कुछ इस टाइप का आएगा. मुझे तो बहुत बहुत सुंदर लग रही है. इसमें बॉर्डर भी है गोल्डन कलर का. तो हम इसको इसके सेम ब्लाउज के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं जो ऑलरेडी इसके साथ है, वरना हम इसमें कुछ अलग भी कर सकते हैं. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल लुकिंग साड़ी. लुक ऐसी साड़ीज ना आप डेफिनेटली अपनी मम्मी के पास ही किसी न किसी के पास आपको मिल ही जाएंगी. बिकॉज एक टाइम पे साड़ीज बहुत चलती थी. तो इनका जो फैब्रिक है ना दैट इज सुपर सॉफ्ट जॉर्जेट, मतलब बहुत बहुत अच्छा फैब्रिक है. तो क्वालिटी इज टॉप नॉच. ऐसा कि अगर अब आप ये वाला फैब्रिक लेने जाओगे तो बहुत एक्सपेंसिव मिलता है. तो चलो इन साड़ीज को ट्राई करते हैं. इसको मैं देखती हूँ कौन से ब्लाउज के साथ पेयर अप करना है. तो फिलहाल मैंने ये वाला ब्लाउज पहना है. इस साड़ी का जो ओरिजिनल ब्लाउज है वो मुझे फिट भी नहीं हो रहा है और वो बहुत सेम लग रहा है साड़ी के साथ. तो ऑब्वियसली अगर हम रीस्टाइलिंग कर रहे हैं तो कुछ कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेंगे. यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये वाला ब्लाउज पहना है. आई थॉट कि इसमें सिल्वर वर्क है तो सिल्वर जाएगा, बट देन आई रिकग्नाइज कि इसमें गोल्डन बॉर्डर भी है और ये यहाँ पर क्लैश करेगा. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहाँ पे लोग गड़बड़ करते हैं कि चलो जो ये वर्क है उसके कुछ मतलब वही का वाला कलर पहन लो ब्लाउज में, जैसे कि गोल्डन वर्क है तो गोल्डन पहन लो. बट यू हैव टू ऑल्सो सी दी बॉर्डर बिकॉज जब वो यहाँ पर क्लैश करेगा तो आप खुद देखो ऐसा लग रहा है कि मैंने टी शर्ट के ऊपर साड़ी पहन ली है. तो वो चीज़ मैच नहीं हो रही यहाँ पे. सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि लेट्स गो विद दिस बेज गोल्डन ब्लाउज जो कि लाइट कलर में है थोड़ा सा, बट है ये गोल्ड ही. तो जब ये बॉर्डर इसके ऊपर आएगा तो ये इसको अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा और एक सटल लुक भी देगा. तो ये वाला ब्लाउज ट्राई करते हैं. आई थिंक कि ये सक्सेसफुल रहेगा. टाटा. तो आई थिंक ये ब्लाउज़ काफ़ी अच्छे से जस्टिफाई कर रहा है. बट अगर इस तरीके की कोई साड़ी है एंड आपके पास पुराना ब्लाउज़ है, व्हाट यू कैन डू इज़ कि इसका जो बेस कलर है उसमें सेम फैब्रिक लेके आप बॉटनेक फुल स्लीव चूड़ीदार ब्लाउज़ बनवाओ तो ये साड़ीज और ज़्यादा उभर कर आएंगी जो इस तरीके की थोड़ी सी टच में साड़ीज आती हैं. बट आई एम रियली लाइकिंग दिस लुक. मतलब मुझे ऐसे लगी नहीं ना मैंने इतनी पुरानी साड़ी पहनी है. आई हैव टू ऑप्शंस बच है. बालों में मैंने एक सिंपल गोल्डन गजरा लगा लिया है बिकॉज आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके साथ. यहाँ पर आई हैव टू ऑप्शंस फॉर दी नेकलेस. पहला वाला आएगा ये जो कि हल्का सा सिल्वर स्टोन में, बट ये मुझे इसके साथ अच्छे से नहीं लग रहा है जाता हुआ. नेक्स्ट वन इज़ दिस ब्यूटिफुल नेकलेस दैट आई बॉट. अच्छा ये जो एक्सेसरीज मैं यूज़ कर रही हूँ स्पेशली द ब्लाउज, आई बॉट दिस वन फ्रॉम वामस. एंड ये ज्वेलरी भी मैंने आई जूल से अमेजोन से ली थी. तो अगर ये अवेलेबल होगी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. गजरे का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. आई थिंक कि ये ज़्यादा बेटर लुक दे रही है मेरे हिसाब से क्योंकि मैंने ज्वेलरी ऐसी रखी है. सो आई डोंट वॉन्ट टू प्ले विद बैंगल्स अलॉट, बट आप इसमें सेम कलर की बैंगल्स भी ऐड कर सकते हो. बट हियर आई एम एडिंग दिस. ये जो कड़े हैं ये मैंने अलग से लिए हैं फ्रॉम द ब्रांड एसेसर. और ये प्रियसी के दो टाइप के कड़ों को मैंने एक साथ स्टैक करके पहना है. इस ज्वेलरी का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी बिकॉज आप बहुत ज़्यादा मेरी ज्वेलरी के बारे में पूछते हैं. सो मैं मिक्स एंड मैच करके ही पहनती हूँ जनरली, बट ज्वेलरी के हिसाब से अभी ये मुझे परफेक्ट लग रही है साड़ी पे. आई विल बी वेयरिंग दिस. अच्छा बनाया ना ये पूरा का पूरा सेट. इट्स लुकिंग वेरी नाइस एंड रॉयल टू. इयर रिंग्स हम इसके मैचिंग के ही पहनेंगे जो साथ में इसके आए थे. एंड आई विल शो यू द फाइनल लुक नाउ. सो दिस इज द फाइनल लुक. बिंदी और सिंदूर के बिना तो ये इनकम्प्लीट था. And I'm really liking it. मतलब ये ऐसा भी नहीं लग रहा बहुत loud है, बहुत subtle भी नहीं लग रहा है. This is just perfect. तो अगर आपके पास कोई इस तरीके की इस कलर की इस वर्क वाली साड़ी है तो डेफिनेटली आप उसे किसी भी वेडिंग में स्टाइल कर सकते हो. इट्स जस्ट दैट हाउ यू चूज योर ज्वेलरी योर ब्लाउज बिकॉज वही पूरा का पूरा लुक चेंज कर देगा आपकी साड़ी का. आई होप
फर्स्ट लुक आपको पसंद आया होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साड़ी विच इज़ द मोस्ट आई थिंक द ट्रिकीस्ट पार्ट इन दिस वीडियो इज दिस कलर. मैं ये कलर बहुत रेयर खरीदती हूँ बट वेन आई सॉ दिस साड़ी आई थॉट दिस इज सो ब्यूटिफुल. स्पेशली ना बहुत बहुत हैवी है एंड इट हैज़ दिस होल मोती वर्क गोइंग ऑन और बीच में ये वाला मतलब बहुत ही यू नो आपने मुझे इस कलर में बहुत रेयर देखा होगा. सो आई हैव टू ऑप्शंस टू पेयर इट अप विद बट लेट्स अडोर द वर्क ऑन दिस साड़ी. मतलब क्या ही काम किया गया है. दिस इज़ अ वेरी नाइस ब्यूटिफुल हैंडवर्क साड़ी. बहुत ज़्यादा हैवी जैसे कि मैंने बताया. कपड़ा बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है एंड आई हैव टू ऑप्शंस फॉर द फर्स्ट वन. आई वॉन्टेड टू कीप इट वेरी बेसिक तो मैंने ये वाला ब्लाउज चूज़ किया है विच इज़ लिटल ऑन द शाइनी साइड बट ये एकदम प्लेन है तो इस बॉर्डर के साथ ये आराम से चला जाएगा. समथिंग लाइक दिस एंड इट विल लुक वेरी नाइस एज वेल. मुझे लगता है कि हमें दोनों ट्राई करके देखने चाहिए, शायद दोनों में अलग अलग लुक्स क्रिएट हो. और दूसरा ऑप्शन जो मैंने रखा है दैट इज़ येलो बिकॉज आई पर्सनली फील कि ये वाला ग्रीन एंड दिस येलो गोज रियली वेल विद ईच अदर. तो चलो ये ट्राई करते हैं. ये वाला ब्लाउज जो है मैंने लिया था फ्रॉम द ब्रांड पंची. इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड वो वाला जो ब्लाउज है वो मुझे किसी ने स्टिच करके भेजा था तो उसका लिंक नहीं मिल पाएगा. बट चलो ये वाला कॉम्बिनेशन पहले ट्राई करते हैं. इस साड़ी के साथ ये ब्लाउज़ काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है. इनफैक्ट अगर हम इसके साथ वाइट पेयर कर दें, लेट मी जस्ट शो यू. अगर मान लो हमने इसके साथ ये पेयर किया होता वाइट वाला तो ये लगभग कुछ ऐसा लगता और ये साड़ी को बहुत ज़्यादा बेसिक लुक देता. तो आई थिंक दिस येलो इज़ द परफेक्ट चॉइस फॉर इट और ये काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है. तो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते टाइम आपको ये ज़रूर देखना है कि जो आपका वर्क है आपके ब्लाउज़ पे और आपकी साड़ी पे वो ज़्यादा क्लैश ना करे. ज़्यादा गोल्डन ब्राइट है, ज़्यादा सिल्वर ब्राइट है दोनों में से किसी एक पे और वो एक साथ आएंगे तो बहुत बेकार लगेगा. तो इसमें हल्का हल्का सिल्वरिश टोन पे है और इसमें एकदम वाइट वर्क है तो इतना कॉम्बिनेशन आप लगभग मिक्स एंड मैच कर सकते हो. बाकी इसमें ही मैं वही रिकमेंड करूँगी इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू पेयर इट अप विद अ डिफरेंट कलर तो सेम कलर का कपड़ा लेके और इसमें आप स्ट्रैप वाला ब्लाउज बनवाओ या फिर इतना स्लीवलेस वाला वो भी बहुत अच्छा लगेगा. मुझे लग रहा था कि ब्लाउज पेयर करना सबसे टफ पार्ट होगा बट इसकी ज्वेलरी चूज करना इज द टफेस्ट वन. सबसे पहले मैंने ये मांग टीका देखा, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है बट जब फिर कानों की बात आ रही है तो वो क्लैश कर रहा है, वो उतना अच्छा लुक नहीं दे रहा. आई ऑल्सो हैव दीज ब्यूटिफुल इयर रिंग्स जो कि अगेन थोड़े सिल्वर टच में है, ये भी इस पर सही लग रहा है बट यू नो वो वाला मज़ा नहीं आ पा रहा, पता नहीं क्यों तो बॉर्डर बहुत हैवी है तो वो क्लैश कर रहा है. तो मैंने फाइनली सोचा कि बहुत बेसिक रखते हैं, वेयरिंग दीज ब्यूटिफुल स्टड्स. इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. बेसिकली ये एक पूरा सेट आया था मंगलसूत्र और इयररिंग्स का बट वो जो मंगलसूत्र है इज़ नॉट गोइंग विद दिस येलो कलर. जो ऊपर से उसमें ब्लैक कलर के बीड्स आते हैं वो क्लैश कर रहे हैं काफ़ी पूरे लुक के साथ. सो आई एम वेयरिंग ओनली इयररिंग्स. सो दैट्स हाउ द इयररिंग्स आर लुकिंग. आई थिंक कि ये ज़्यादा जस्टिफाई कर रहे हैं लुक को क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हैवी है नीचे. सो वी कैन कीप अ वेरी सिंपल स्टड्स ऑन द टॉप और साथ में मैंने कुछ बैंगल्स पहन लिए हैं ऐड करके एंड दिस इज़ द फाइनल लुक. आई थिंक ये फाइनल है यार. ज़्यादा कुछ करेंगे ना बहुत घिचपिच होने वाली है तो चलो लेट्स कीप इट दिस वे ओनली. और बालों में बस मैंने यहाँ पे एक एक्सेसरी ऐड की है, छोटे से फ्लावर्स लगा लिए हैं क्योंकि ये फ्लावर एक अच्छा एलिमेंट ऐड कर रहे हैं इस लुक में एंड इट इज़ लुकिंग वे बेटर देन बिफोर. और अब इयररिंग्स भी थोड़े उभर कर आ रहे हैं बाल बांधने के बाद. वैसे तो आज हमारे चार साड़ी का सेगमेंट था ये वीडियो का बट आई एम नॉट एबल टू कवर द फोर्थ साड़ी टुडे बिकॉज आई एम नॉट वेल. तो मुझे लगता है कि तीन साड़ीज का आज हम कर पाएंगे. सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट साड़ी जिसका पल्लू कुछ ऐसा आता है. ये कटवर्क वाली साड़ी है, इफ यू गाइस हैव सीन दिस इज़ कॉल्ड कटवर्क एंड इस तरीके से इसमें काम होने के बाद उसको हल्का हल्का से जलाया जाता है टू गेट दैट कट इन द सेंटर एम्ब्रॉयडरी के बीच में. और ये इसका बॉर्डर है बहुत सुंदर. बाकी थ्रू आउट द साड़ी ये पूरी कटवर्क में बॉर्डर है एंड ये प्लेन ऑरेंज कलर की साड़ी है. अगर मैं देखूँ तो ये जो साड़ी है इस ब्लाउज को तो बहुत बढ़िया तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रही है. सो इफ़ यू हैव दिस कलर, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कलर है. आई नेवर ट्राई दिस सॉर्ट ऑफ ऑरेंज. मैं जनरली रस्ट ऑरेंज पे स्टिक रहती हूँ बिकॉज आई थिंक दैट इज़ द सेफेस्ट ऑरेंज या फिर एक ब्राइट पॉपी ऑरेंज होता है वाला. बट ये वाला ऑरेंज में बहुत रेयरली कभी पहना होगा बट इसको आप येलो के साथ पेयर कर सकते हो इफ़ यू हैव एनी साड़ी इन दिस कलर. वरना आप कोई डिफरेंट कलर ब्लाउज भी ले सकते हो, जैसे कि आप इस पर हैवी गोल्डन ब्लाउज भी ले सकते हो एम्ब्रॉयडरी वाला, वो भी इसको बहुत अच्छे से उभार कर लेके आता है. चलो पहन कर आती हूँ एंड देन आई एम गोना शो यू कि कैसा लग रहा है. वैसे इस पर तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी येलो वाले पे बट क्योंकि हमें कुछ डिफरेंट करना है ऑब्वियसली तो कुछ अलग पहन कर आते हैं.
ये आया है इस साड़ी का फाइनल लुक। मुझे सबसे ज़्यादा ट्रिकी ये लग रहा था, मतलब मुझे लग रहा था कि शायद ये वाली साड़ी अच्छी नहीं लगेगी, बट स्टाइल करने के बाद तो मुझे लग रहा है दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट साड़ीज़ फ्रॉम द वीडियो। इसने इतना अच्छा लुक क्रिएट किया है ना। यहाँ पर मैंने ये गोल्डन ब्लाउज़ पहना है। अच्छा, एक छोटा सा टिप दे देती हूँ, जब भी आप कोई ऐसी साड़ी पहनते हो जिसमें इस तरीके का गोल्डन वर्क है हैवी ऑन बॉर्डर, तो उस पर ना आप प्लेन गोल्डन ब्लाउज मत पहनो या बेज प्लेन ब्लाउज मत पहनो, गो फॉर अ हैवी एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज जस्ट लाइक दिस। इसमें ना बहुत सारा काम दिया गया, तो जितनी एम्ब्रॉयडरी उसमें होगी ना वो बॉर्डर उतना उभर कर आएगा आपकी साड़ी के साथ, वरना साड़ी दब जाएगी अगर आप कोई प्लेन ब्लाउज पहन लो। जैसे नॉर्मली लोग गोल्डन ब्लाउज पहन लेते हैं, कुछ समझ नहीं आता गोल्डन एम्ब्रॉयडरी गोल्डन ब्लाउज पहन लो, वो नहीं करना है। हैवी एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज पहनोगे जब एम्ब्रॉयडरी के साथ तो वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड कमिंग ऑन टू द ज्वेलरी, मैंने बहुत ही सुंदर से इयरिंग्स पहने हैं। मैं जब भी ये वाला ब्लाउज पहनती हूँ वाले इयरिंग्स मैंडेटरी हैं। तो ये जो नेकलेस मैंने पहना हुआ है, नेकलेस नहीं है, ये एक पायल है जो कि मैंने बहुत पहले ऑर्डर की थी। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, मिलेगा तो। एंड इयरिंग्स का भी, फॉर दी बैंगल्स मैंने गोल्डन बैंगल्स पहने बीच में और साइड में प्रियसी के दो कड़े लगा लिए हैं, एंड इतना ही मैंने लुक को रखा है। वेयरिंग दिस ब्यूटिफुल रिंग फ्रॉम ज़वेरी पर्ल्स, और ये लुक कुछ ऐसा आया है। बालों को मैंने सिंपल बेसिक रखा, एकदम सिर्फ एक स्क्रंची लगा लिया हेयर वाली, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब मुझे कुछ समझ नहीं आता ना बालों का, मैं सिंपल जूड़ा बना के इसको लगा लेती हूँ एंड बस सॉर्ट हो जाता है बिल्कुल सब कुछ। तो ये लुक मुझे काफ़ी पसंद आया पर्सनली। आपको कंप्लीट लुक दिखाती हूँ, कंप्लीट लुक देखो कितना सुंदर है यार इसका। अच्छा, उससे पहले ना मैं एक चीज़ और शेयर कर दूँ। ये जो सेम कलर है ये मेरी मौसी की साड़ी थी ऐसी सिल्क की, वो मैंने स्टाइल की थी, तो मैंने उसके साथ ग्रीन कलर का ब्लाउज पहना था। मैं चाहती नहीं थी कि दोबारा वही लुक क्रिएट करूँ, बट मैं आपको दिखा देती हूँ कि ऑरेंज के साथ बॉटल ग्रीन बहुत बहुत अच्छे से जाता है। लाइट ग्रीन नहीं, अगर आप लाइट ग्रीन लोगे तो मज़ा नहीं आएगा, बॉटल ग्रीन द डार्केस्ट ग्रीन बहुत बढ़िया जाएगा ऑरेंज के साथ, अगर आपके पास कोई इस कलर की साड़ी है। एंड इसकी एम्ब्रॉयडरी भी इससे काफ़ी अच्छे से मैच हो रही, तो ये लुक भी बहुत बहुत सुंदर लगेगा। इफ़ यू वॉन्ट अ मोर हैवी लुक या फिर आपको कुछ थोड़ा कलरफुल चाहिए तो बॉटल ग्रीन एंड ऑरेंज जस्ट परफेक्ट कलर्स टुगेदर। ये जो ब्लाउज है मैंने वामस से लिया था, आई जस्ट लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन। ये एक ऐसा ब्लाउज है जो कि बहुत सारी साड़ीज़ पे चल जाता है। मेरे पास इसके दो कलर्स हैं, एक रेड है और एक ग्रीन है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, बट लास्ट साड़ी कंप्लीट कर ही लेते हैं। इज दिस ब्यूटीफुल मैसूर जॉर्जेट साड़ी, इसमें बॉर्डर मिलेगा इस तरीके का। एंड ये जो बहुत पहले ना एम्ब्रॉयडरी चलती थी ये पैच वर्क वाली विद सम बीड्स और थोड़े सीक्वेंस होते थे उसमें, तो ये वही वाला काम है। एंड साथ में इसमें जो बॉर्डर है इज दिस, इस तरीके का बॉर्डर आएगा। इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं, आप इस पर येलो ब्लाउज इस तरीके की, जो बांधने को बांधने की साड़ीज़ जो है ना वो हमेशा रखो, क्योंकि उनका ट्रेंड कभी आउट नहीं होता और वो हमेशा अच्छी लगती है, जस्ट दैट हाउ यू स्टाइल देम। तो इसमें येलो है, रेड है, ब्लू है, ये तीनों ही कलर्स के साथ चल जाएंगे। बट अभी मैंने जो डिसाइड किया है, आई हैव टू कलर ऑप्शंस फॉर दिस साड़ी। तो ये पहला वाला है दैट आई एम थिंकिंग, ये थोड़ा सा ब्लूश टोन पे आएगा। इट्स ऑल्सो अ वेरी नाइस ब्लाउज, ये कुछ ऐसा लगेगा इस साड़ी के साथ, रख के देख लेते हैं। ये इसके ब्लाउज, इसका जो बॉर्डर है उससे कम्प्लीटली मैच हो रहा है, ये ब्लाउज़ बहुत सुंदर लगेगी ये साड़ी। एंड अनदर वन इज़ जो मैंने हल्का सा पर्पलिश टोन पे लिया है, वो है ये वाला ब्लाउज़। ये ब्लाउज़ विल मेक दिस साड़ी लुक मोर हैवी, पार्टी वेयर एंड ग्रैंड, तो हम दोनों ही लुक कैरी कर सकते हैं। वो ब्लू तो जा ही रहा है, बट मुझे लगता है कि चलो ये वाला कलर ट्राई करते हैं, कुछ यूनिक सा कलर कॉम्बिनेशन आएगा और ये दोनों कलर साथ में मस्त लगते हैं एकदम। तो फाइनली मैंने ये वाला ब्लाउज़ भी ट्राई कर ही लिया, और आई थिंक कि ये एक बहुत ही मॉडर्न क्लीन लुक दे रहा है। अगर आपको बहुत हैवी चाहिए तो हैवी एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज़ पहनो, वरना इस तरीके का कोई ब्लाउज जिसमें छोटा छोटा बूटा हो, थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हो बॉर्डर पे, तो बहुत सुंदर लगेगा। और ये कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, आई एम रियली लविंग दिस लुक। मैंने सेम सब कुछ रखा है, ज्वेलरी वगैरह, सिर्फ ब्लाउज चेंज किया। और ये मतलब बहुत ही लीन लुक दे रहा है, पता नहीं क्यों, तो स्लीव्स की वजह से मे बी, बट ये लुक भी मुझे काफ़ी पसंद आया। तो ये जो ब्लाउज़ है ये भी मैंने आई थिंक वामस से ही लिया था। कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है मुझे नहीं पता, बट रियल लाइफ में ये ब्लाउज़ इस साड़ी के साथ बहुत बढ़िया तरीके से जा रहा है। आई बॉट दिस ब्लाउज़ फ्रॉम पूजा मिल्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड आई पेयर्ड इट अप विद दिस कुंदन हैवी चोकर जो कि मैंने कैरेट कार्ड से लिया था। तो अब
अभी मैंने बैंगल चेंज कर लिया है तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो बानी साड़ीज को इस तरीके से जो भी बॉर्डर में काम है उस कलर को पिक करके हैवी एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज के साथ आप आराम से स्टाइल कर सकते हो। अब इसके जो स्लीव्स हैं अभी थोड़े से लूज हैं, फिटिंग होने के बाद ये और बेटर लुक देगा। लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस इज लुकिंग एंड या दिस साड़ी इज लुकिंग वेरी नाइस। सारे ही लुक्स जो हमने क्रिएट किए सब, कोई भी साड़ी ऐसी नहीं लग रही कि ये पुराने डिज़ाइन की साड़ी है। ऑल ऑफ दीज आर लुकिंग वेरी नाइस। तो बस कुछ यही सिंपल से ट्रिक्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए इन्हें यूज़ करके आप अपनी साड़ीज को स्टाइल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वन।